प्यार नहीं तो कुछ नहीं। प्यार का पक्का है रंग यारा, लग जाए तो छूटना। धागा है कमजोर लेकिन सनम, बंध जाए तो टूटना। यार ना रूठे कहीं, यार ना रूठे कहीं, प्यार नहीं तो कुछ नहीं। प्यार में गुजरेगी अब जिंदगी, दिल की तमन्ना है यही। हमको जमाने से लेना है क्या, अपनी तो दुनिया है नहीं। प्यार है तो है जहां, प्यार है तो है जहां, प्यार नहीं तो कुछ नहीं। मैडम आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। नाम बिमला। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते मुक्ता जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। कैसी हो बिमला? बिल्कुल ठीक। ऑक्सीजन का स्टॉक ले लेना। मैं ले लेता हूँ। गुड मॉर्निंग हिमा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है डॉक्टर नहीं आंटी कहो। ओके डॉक्टर आंटी। अब कैसी तबीयत है शांति? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर हेमा ने पूरी रात मेरा ध्यान रखा है। That's good, well done. अब तुम घर चली जाओ, तुम्हारी मम्मी का 3 बार फोन आ चुका है। ओहो, वो भी कमाल है। खुद डॉक्टर होते हुए इतना भी नहीं समझती कि इमरजेंसी में रात रात भर ड्यूटी करनी पड़ती है। वो तो ठीक है, लेकिन अंजू पहले माँ है और फिर डॉक्टर। अब तुम घर चली जाओ वरना फिर फोन आ जाएगा। ओके बाय बाय। Congratulations, Sandeep Kapoor, on your hat trick. Thank you, sir.
We expect another hat trick from you. Definitely. Don't disappoint us now, my son. I'll not. Enjoy your victory. माँ और बच्चे के बीच होता क्या है? सिर्फ प्यार, विश्वास और भरोसा। जब बच्चे को अपने जीवन में माँ बाप के प्यार की कमी महसूस हो तो वो अपने आप को बेसहारा समझने लगता है। मॉम, मॉम, सर आप देख नहीं रहे मैडम जी का इंटरव्यू चल रहा है? वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। इडियट, मैं जानता हूँ सर, लेकिन इस वक्त मैडम जी चिल्ड्रन वेलफेयर पर मेन चैनल के लिए इंटरव्यू दे रही हैं। बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी देखभाल करना माँ बाप पर बोझ नहीं, उनका फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका धर्म है। आप जानते नहीं आप कितने खुशनसीब हैं, आपकी माँ कितनी नेक, महान और पूजनीय औरत है। जानता हूँ दुनिया की हर चीज में कमी हो सकती है, लेकिन माँ के प्यार में कभी कमी नहीं हो सकती। क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, कल का भारत है, और ये बात मुझ जैसी माताएं अच्छी तरह समझती हैं। गुड इवनिंग कपूर एंटरप्राइजेस। गुड इवनिंग मोना जी, संदीप कपूर यार, जरा डैडी से बात कराएंगे? जस्ट होल्ड ऑन मिस्टर कपूर, सर संदीप जी ऑन द लाइन। उसे को होल्ड ऑन, आई विल जस्ट टॉक टू हिम। जस्ट होल्ड ऑन सर। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ तो जेंटलमैन, जैसा मैं आप लोगों से कह रहा था, इस डील से हमें करोड़ों का फायदा हो सकता है। हमारे मेजर कॉम्पिटिटर्स होंगे एनरॉन एंड रिलायंस पावर हाउस, बट वी हैव अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर देम। मैंने कोलैबोरेशन की बात स्टुटगार्ट पावर हाउस जर्मनी से कर ली है, जिनके इन्वेस्टमेंट हमारे साथ एट पार होगी। इसका मतलब यह हुआ 50% स्टुटगार्ट पावर हाउस, 50% कपूर एंटरप्राइजेस। हाँ, रहा सवाल इन्वेस्टमेंट का, सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी शिल गो पब्लिक। हम अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट करेंगे एट द रेट ऑफ 700 रुपीज अ शेयर, तकरीबन 2,700 करोड़ रुपया हम इकट्ठा कर सकते हैं। एज प्रमोटर्स ऑफ दिस पावर प्रोजेक्ट हमारी इन्वेस्टमेंट होगी तकरीबन 1,000 करोड़ की। अब आप बताएं, क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग हैंडल कर सकते हैं? सर कपूर इंडस्ट्रियल हाउस के लिए ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो। गो अहेड, गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो। हाँ बोलो सैंडी। डैड, हम लोग जीत गए। हाँ बेटे, और मैं अपनी जीत से बहुत खुश हूँ। थैंक यू डैड। अरे व्हाट थैंक यू, व्हाट थैंक यू, कांग्रेचुलेट मी सन, आज तुम्हारे बाप ने करोड़ों रुपयों की डील फाइनलाइज की है। कैसी डील? इट्स अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस सैंडी। तुम देखना, कुछ ही दिनों में हमारी कंपनी का नाम दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों के नाम के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन मैं तो समझा था कि आप मुझे। हाँ बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? कम ऑन टेल मी, द वर्ल्ड इज एट योर फीट, क्या चाहिए बोलो। कुछ नहीं डैड, थैंक यू। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। जीत मुबारक हो बेटे। जीत नहीं आंटी, हार कहो। सोचा था टूर्नामेंट जीत कर आऊंगा तो माँ सीने से लगा लेगी, डैडी खुश हो जाएंगे, लेकिन उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। बेटे, जो कुछ भी हो वो तुम्हारे माँ बाप हैं, जो कर रहे हैं सब तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। हाँ आंटी, आप ठीक कह रही हैं। उन्होंने मेरे लिए दौलत का विशाल समुद्र तो बना दिया, लेकिन उस समुंदर में प्यार की एक बूंद भी नहीं रखी। क्यों? क्या मैंने तुझे प्यार नहीं दिया? तुम्हारे ही प्यार के सहारे तो मैं इतना बड़ा हुआ हूं। काश तुम मेरी सचमुच की माँ होती। माँ न सही, तुझे बेटी की तरह पाला तो है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। अब जा, तेरे दोस्त तेरे जीत की खुशी में पार्टी मनाना चाहते हैं, जा।
जाने कब खुलेगी किस्मत, बढ़ गई है बेताबी, ढूंढ रहे हैं ताला यारो, ढूंढ रहे हैं ताला यारो, हाथ में लेकर चाबी, ना जाने कब खुलेगी किस्मत, ना जाने कब खुलेगी किस्मत। पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है? यार नाम को छोड़ो, काम की बात करो। साहब मैं इसके काम की बात समझ गया, मैं इसके साथ काम की बात कर लूं। शट अप, लड़की को जीप में बैठा दो तो तारा। जो काम चलो चलो सैंडी। छोड़ो उसको, ये जान ठहर, मैं भी आया। मेरे को हाथ नहीं डाली, मेरे नाम क्या है बेबी? मिस्टर सैंडी बैठिए गाड़ी में। Inside? Okay. अरे हथकड़ी, लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर दिया साहब? सर मैं, सर मुझ पे तरस खाइए सर प्लीज। मिस्टर सैंडी इस वक्त आप नशे में हैं। सॉरी सर,
इसलिए आप गाड़ी चलाने के काबिल तो है नहीं, तो बेहतर यही होगा कि आप रात भर यहीं बैठे रहिए जब तक आपका नशा पूरी तरह से उतर ना जाए। सर प्लीज सर। और कल सुबह हवलदार आकर आपको खोल देगा। ओके गुड नाइट। Will you shut up, please, darling? मैं अभी अभी तो पार्टी से आई हूँ और हैंगओवर भी हो रहा है, सोने दो ना प्लीज। But doll, I'm not going to be here for 2 weeks. तो जाओ ना, तुमको किसने रोका है? प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। I'm sorry, babe. मैंने आपको नींद से जगा दिया, लेकिन क्या करता, आपसे बात करना जरूरी था। मेरी बात सुनो, हांगकांग से सैन्यू कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहा है ऑडियो एग्जीबिशन के लिए। ही इज गोइंग टू बी अलोन, सो प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। ऑलराइट। दूसरी बात यह है कि मैंने शेट्टी को अपने अकाउंट्स की फाइल दे दी है, अगर मौका मिलता है तो जस्ट गो थ्रू देम। जी हेमा आ गई? हाँ जी आ गई है, ऊपर डिस्पेंसरी में। आप हंस क्यों रहे हैं? पानी दीजिए, पौधे सूख जाएंगे। पानी ही तो दे रहा हूँ। हेमा मुझे चोट लग गई है। चोट? हाँ ये देखो ना। ये कैसी चोट? हेमा खून निकल रहा है। पता है क्या हुआ ना, मैं जीप से उतर रहा था तो मेरा सर जो है ना वो जीप के छत से टकरा गया। ध्यान कहीं और था क्या? ध्यान नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ। आजकल तो मेरा ध्यान सिर्फ एक ही जगह पे रहता है। नो इंस्पेक्टर साहब, शादी से पहले ध्यान इस तरफ करना गैर कानूनी है। हेमा प्यार की दुनिया में सिर्फ दिल का कानून चलता है, और आजकल हमारा तो दिल है ना वो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने पर मजबूर कर रहा है। I love you. पता है मैंने उसको ऐसे पकड़ लिया, यूं ऐसे। हाँ ये क्या? जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ देखो ना। देख ही तो रही हूँ। हेमा कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हाँ फिर मैं ऐसे, और पता क्या हुआ, मैंने उसे यूं। क्या हुआ भैया? सुनंदा क्या हुआ भैया? होना क्या है, कभी मैं ऊपर तो वो नीचे, कभी वो नीचे तो मैं ऊपर, इसलिए थोड़ी सी चोट लग गई। चोट तो मैं देख रही हूँ भैया, पर ये ऊपर नीचे का क्या चक्कर है? सुनंदा मैं हेमा को बता रहा था कि चोर को मैंने कैसे पकड़ा। ओह हाँ ठीक है, तो मैं भी मम्मी डैडी को बता देती हूँ कि मैंने चोर को कैसे पकड़ा। चोर? कौन सा चोर? चोर नहीं चिट चोर, नॉटी बॉय। मुझे सब कुछ पता चल गया, अब बस मॉम डैड। सुनो ना, एक मिनट, अगर तूने मम्मी डैडी को बता दिया तो मैं तुझे क्या हालत में बंद कर दूंगा। आउट। हाउ मीन, तुम्हें कॉलेज जाने के नहीं। आउट ब्रदर। वेलकम, आपका स्वागत है। अरे ये तालियां, इतने हार, ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं, हम सिर्फ हमारे टूर्नामेंट जीतने वाले विजेता का स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू। ये बता दोस्त कि तेरी रात कार में कैसी गुजरी? अरे यार गुजरी क्या खाक, वो भेड़ का भाई इंस्पेक्टर मेरे गोले पराम बना गया। मेरे हाथ में तो वो साला हथकड़ी लगा गया और लड़की को अपने साथ ले गया। लेकिन तू ये बता, तुझे ये सब किसने बताया? मैंने। मुझे तो हवलदार ने सुबह आकर छोड़ दिया था, लेकिन पुलिस वाले तो तुझे साथ में ले गए थे रात को। तू ये बता रात तेरी कैसी गुजरी? दुख तो इसी बात का है, रात बहुत खराब गुजरी। मैं अरे समझदार जो था, तुम्हें तो कॉलेज का चपरासी भी अपने घर ना लेकर जाए। क्या कहा, मैं इतनी बुरी हूँ? यू नॉटी। अरे बचाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे 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 कहाँ भाग के जाऊंगी? रुको हाथ लगो उधर। जान बची।
अंधे हो क्या? अंधा? हाँ, अंधा ही तो हूँ, लेकिन मैंने आपको इस कॉलेज में पहले कभी नहीं देखा। क्या मतलब? मतलब मैंने आप जैसी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। अच्छा, अंधे भी देख सकते हैं? है? हाँ हाँ, देख सकते ना, मन की आंखों से, जैसे इस वक्त मैं आपको देख रहा हूँ। शट अप एंड गेट अप। सूरदास जी, आप बड़े कष्ट में लग रहे हैं। सूरदास जी, आप गिर कैसे गए? सूरदास जी, ये क्या वाकई सूरदास हैं? अकल से नहीं, जन्म से। आपको कोई कष्ट तो नहीं? आपको लगी तो नहीं सूरदास जी? सॉरी, मैंने क्लासरूम तक छोड़ दूँ। सर, भगवान आपका भला करे, जाइए सूरदास जी, रिपो राम बनाइए सूरदास जी। हाय हाय, संदीप अन्ना क्या हो गया? अरे यार, ये संदीप को क्या हो गया? अंधा हो गया क्या? अरे कुछ नहीं हुआ उसे, उस लड़की को देख के नाटक कर रहा है। तू देखना, वो कोई ना कोई चक्कर जरूर चलाएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सूरदास जी, राइट? हाँ। कम विद मी। सुनंदा, ये क्या कर रही हो? ए हाथ रख। मैं सूरदास जी को क्लासरूम तक ले जा रही हूँ। आपका क्लासरूम आ गया। अंदर तो हथनी है। अरे चक्कर क्या है? चाहिए, ये मेडिकल रिपोर्ट कपूर साहब को दे आइए। ठीक है। ड्राइवर? ड्राइवर नहीं, आप पैदल जाएंगे और पैदल आएंगे, इसी बहाने आपकी जॉगिंग भी हो जाएगी। जॉगिंग? मुक्ता जरा सोचो तो, दो मील जाना, दो मील आना। आप जाते हैं या डॉक्टर को फोन करके बुलाऊं? अरे नाश्ता तो करवा दो। आपको नाश्ता वापस आने पर ही मिलेगा। जाता हूं। साहब जी, आपका जॉगिंग सूट। जॉगिंग नहीं, जॉगिंग सूट, यू इडियट। आप क्या, जूता कौन सा पड़ेगा जी? जो खाने में तुझे अच्छा लगे। जॉगिंग सर, गुड मॉर्निंग सर। व्हाट इज गुड अबाउट द मॉर्निंग? हाथ नीचे। सॉरी सर, इडियट। नॉट गुड टू नॉट गुड। अरे खड़े खड़े मुंह से पानी क्या टपका रहे साहब? आनंद का ऑमलेट खाएगा, आनंद आनंद हो जाएगा। खाएगा बनाओ। खूब चटपटा और तीखा, बस बीवी का मजा आ जाए। अरे साहब, ऐसा ऑमलेट बना के खिलाएगा कि अपनी बीवी को भी आप भूल जाएगा और बार बार इधर ही जो ऑमलेट खाने को आएगा। ये लो साहब, आपका गर्मा गर्म मस्त ऑमलेट। पाओ। हाँ हाँ, ये लो। एक और। अच्छा, दो लो। क्या लपटे आ रही है। चलो ए शाहरुख, साहब को पानी पिला रहे। अबे ओ चिकने, एक आमलेट दो पाव लेके आ। गंगाराम, रे बाप रे। आमलेट चार पाव का साहब हो गया पूरे 12 रुपया। अरे साहब, आप तो एकदम फिट है साहब। एक घंटा जॉगिंग है, नो पसीना। अरे वाह, वेरी गुड। थैंक यू। यो वेलकम साहब। मालिक। हाँ जी। तुम जाओ, हम पानी देंगे। जी साहब, हम पानी देंगे। उधर देखो। समझ गया।
मुक्ता मुक्ता, मेरी तो बुरी हालत हो गई। अरे मेरी टांगों का क्या होगा, पूरे पूरे 6 मील जॉगिंग की है। 6 मील और आप इतनी जल्दी आ गए? जल्दी? हाँ वो ऑटो। ऑटो नहीं, वो घर से निकला ना तो एक ऑटो जा रही थी, मैंने उसके साथ दौड़ लगा दी। 3 मील तक दौड़ पर ही चला गया, फिर मैं थक गया, रुक गया, वापस आया तो एक टैक्सी आ रही थी, उसके साथ दौड़ लगा दी। इस तरह से मैं घर पहुंच गया। उफ। ओहो, आप वाकई थके हुए लग रहे। चलिए मैं आपको नारियल पानी पिलाती हूँ। नारियल ही दे दो। आइए ये लीजिए, गंगाराम अभी ताजा नारियल लेकर आया है। गंगाराम उससे पर गंगाराम आ गया। लौकी 8 रुपए की आई थी, साइज बड़ा अच्छा है, 16 रुपए लिख देता हूँ। नहीं गंगाराम, चेपी उतनी लगाओ जितनी चिपक सके। 11 रुपए। 11 रुपए हैं हिसाब में, अभी 12 रुपए कम है। हाँ हिसाब से याद आया, वो तुमने कहा था ना कपूर साहब को रिपोर्ट दे देना और उनसे पैसे ले आना, तो ये लो पैसे। मूलियाँ, ये मैं कितनी की है? मूलियाँ है, टमाटर है, साग है। हिसाब? अरे इसमें तो 12 रुपए कम है। 12 रुपए कम है? अरे वो क्या था ना, उनके पास छुट्टा नहीं था। कमाल है, इसमें तो सब छुट्टे ही छुट्टे हैं। कितनी बार कहा है कि सब्जियां खरीदते समय हिसाब ठीक से किया करो, मगर आप है कि मामा ये देखिए गंगाराम आज फिर 12 रुपए ज्यादा दिया है। कमाल है, आज तेरे डैडी 12 रुपए कम ले आए और ये 12 रुपए ज्यादा दे कर आया। देवी जी मैं तो बिल्कुल ठीक हिसाब करके पैसे देके आया हूँ, अब सब्जियों का भाव बढ़ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता, साहब जी को पूछ लीजिए। क्यों साहब जी, अंडों का भाव बढ़ गया है ना? अंडों का भाव मुझे क्या मालूम, मुक्ता तुम ही बताओ। अंडों का भाव अलग अलग होता है ना, देसी का अलग, अंग्रेजी का अलग, बॉयल का अलग, फ्राइड का अलग और आमलेट का अलग। कौन से आमलेट का? इडियट। गंगाराम जी, लगता है सब्जियों का नहीं तुम्हारी जेब का साइज बढ़ गया है। जी अब जाओ जाओ, साहब की दी सब्जियां बॉईल करो, जाओ। जी जी जी। काम करे ऐसा के बच्चे चुप चुप चुप। चोरी करता है वो भी, एक वकील और इंस्पेक्टर के घर में, 3 महीने के लिए अंदर करवा दूंगा। कैसी बात करते हैं? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कैसी बात करते हैं साहब, अगर चोरी करने वाले अंदर होते तो इस देश में शायद ही कोई बाहर होता। एडियन। थैंक यू साहब। अच्छा ये बता तू ये आमलेट खाने कब से जा रहा है? बाबूजी आज पहली बार आमलेट खाने के लिए गया और पकड़ा गया, मगर बाबूजी एक बात है, वो आमलेट बनाता बहुत बढ़िया है। ये तो है, लेकिन चोरी करना बहुत बुरी बात है। और अगर करो भी तो उसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, 50-50। ये हुई ना महान भारत की महान बात, मालिक और नौकर बराबर बराबर, मिला ये हाथ साफ कर। हाँ जी। अरे अपना हाथ साफ कर। ये लीजिए। लेकिन बाबूजी बाबूजी मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो आमलेट घर में भी बना के खा सकता हूँ, मगर आपका क्या होगा कलिया? उल्लू के चुप। कमान दिनेश, लेट्स गो, कमान। यस सर। अरे वाह, ये इनाम क्या आपने जीता है? मेरा इनाम तो इस घर की खुशियां और आप दोनों की खुशहाली है। ये कप तो आपके संदीप ने जीता है। हाँ। अपने कॉलेज के मैच में। रियली? वाह, हम खुश हुए कि हमारा बेटा भी हमारी तरह कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। गिव माय लव। एक मिनट। ये ब्लैंक चेक है, ये संदीप को दे दीजिएगा और उससे कहिएगा कि इसमें जितना रुपया चाहिए भर सकता है, ये उसका इनाम है। मगर आप ये नहीं पूछेंगे कि संदीप है कहाँ? क्या जरूरत है,
आप जो हैं, जहाँ भी होगा अच्छा ही होगा। हाय, यो, यो, लेट्स दे, यो, 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 लियो, 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 शट अप, ओके, शट अप, शट अप, शट अप, शट अप, शट अप, ऑरेंज जूस, एक्सक्यूज मी। अरे फिर क्या हुआ, शाहरुख भी दिल्ली से है ना, दोस्त है मेरा। आज शाम को मुझे टेनिस कोर्ट में आकर मिलो। यो मैन, उसके इतने हिम्मत, कैंटीन में पर्ची लिखकर उसने मेरी तरफ फेंकी। मुझे टेनिस कोर्ट में आकर मिलो। ओह माय गॉड, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अगर बुलाना ही था तो किसी लव स्पॉट पे बुलाता, टेनिस कोर्ट में क्यों बुलाया है? वो आ गया, he's come। मैं तो समझा था कि अकेली आएगी। लेकिन ये तो पूरी बारात साथ लेकर आई है। मैं तो सोचा अकेला आएगा, मगर ये तो पूरी गैंग को ले आया। अरे अपनी भी तो पूरी गैंग है, हो जाए शुरू गैंग वॉर। वॉर तो होगा, मगर गैंग वॉर नहीं, गेंद वॉर। हाय सीरी। तो आपने मुझे टेनिस कोर्ट में बुलाया? मैंने? हाँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया है। दोस्तों के आगे हीरो बन रहा है स्टूपिड। खैर, अब हम टेनिस कोर्ट में आ ही गए तो क्यों ना एक गेम हो जाए? ओह श्योर। मर गया, इसने तो मेरा एक बाजार ही बंद कर दिया। कोई बात नहीं सैंडी, तेरा दूसरा बाजार तो खुला है, ये ले, इसके दोनों बाजार बंद कर दे। मिस्टर रोमियो, अभी तो एक ही खिड़की बंद की है, अगर फिर दोबारा ऐसी हरकत की तो पूरे शोरूम का नक्शा बिगाड़ दूंगी। ओके जितना खेला है सब भूल जाएगी। तू नहीं जानता है भला कौन है, इसका बाप वकील है, माँ डॉक्टर है,
और भाई पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस इंस्पेक्टर इसकी तो FIR। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मार डाला। इंस्पेक्टर तो कुछ जाना पहचाना लगता है। अरे मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला। अरे हम लोग गलत जगह पे आ गए हैं। नहीं, यही तो उसका भाई है। अबे भाई भाई को छोड़ो, अगर इसने मुझे पहचान लिया ना तो ये हम लोगों का बाप बन बैठेगा। हा? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? लगता है मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। जरूर देखा होगा साहब, महान खिलाड़ी है, क्रिकेट का, फुटबॉल का। वैसे सर मैं कंचे, कैरम और गुल्ली डंडा भी खेल लेता हूँ। वैसे टीवी और अखबार में अक्सर मेरी फोटो छपती रहती है। अच्छा, तो तुम्हारी ये हालत हुई गुल्ली डंडा खेलते हुए? हाँ? क्या गुल्ली डंडा? नहीं सब नहीं, मेरे दोस्त की हालत तो खेल के मैदान में हुई है। बहुत बुरी तरह मारा है उसने। किसने? लड़की ने साहब, लड़की ने। साहब ये बिल्कुल सच बोलता है, मेरी बी ए भी मुझे पीट सकती है, तो ये ए भी हो सकता है। लिपुराम सही कह रहे सर। मेरा नाम लिपुराम नहीं है, कितनी बार बोला हवलदार तो उतरम है। वो लड़की कौन है? छोटी सी, पतली सी, गोरी सी सर, अपने आप को टेनिस चैंपियन समझती है। उसका नाम सुनंदा, सुनंदा कोहली। स्टूपिड इडियट, वो मेरी बहन है। मारा, मारा, आपकी बहन है तो क्या गुंडागिरी करेगी? बोलो, दादागिरी करेगी? जवाब दो, बेकसूर बेखता लोगों को मारेगी? बोलो बोलो, प्रेस बुलाओ, अखबारों में छपो, ऊपर तक जाऊंगा, कमीशन बैठवाऊंगा। इसके बाप कोई यूनियन लीडर है? नहीं। कोई एमपी है? नहीं। कोई एमएलए है? नहीं। तो फिर क्या ऊपर जाएगा? इसके पास से आइडिया तो है नहीं, अभी इसको हमारे से बराबर ऊपर पहुंचाएगा। डरने का नहीं, डरने का नहीं। मेरा नाम क्या है? तोता राम। तोता क्या खाता है? हरी हरी मिर्ची। तुम मेरे को हरी हरी मिर्चियां खिलाओगे तो उधर दे के मैं छोड़वा दूंगा, समझ गया ना? या उधर खड़ा रहे। इधर आओ, हाथ नीचे रख। तुम्हारी कंप्लेंट मैंने सुन ली है, सुनंदा को मैं समझा दूंगा। दोस्तों, यह हमारी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन याद रखना इंस्पेक्टर साहब, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक, ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। मुझे बताओ लड़की कौन है, मैं कॉलेज के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखूं। जी हाँ, वरना उस लड़की का हौसला बढ़ जाएगा। आजकल तो औरतें छोटी छोटी बातों के लिए मोर्चा निकालती है, और फिर तुम लोग तो मर्द हो। अब आप ही बताइए हम क्या करें। बताऊं? केस करो। ये लो कार्ड, एडवोकेट देव कोहली का पता, वो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। एडवोकेट देव कोहली, जरूर कर देंगे। चलो दोस्तों, हमारा काम हो गया, अब वो सुरंदा की बच्ची बचकर जाएगी कहाँ। अरे सुनो सुनो, क्या नाम बताया तुमने? सुनंदा। तो तुम बेटी के खिलाफ बाप से मुकदमा करवाने आए हो, वैसे तुम लोग भी मुझे शरीफ खानदान के लगते हो। हाँ। और फिर कॉलेज में तो शरारतें होती रहती हैं, आज उसने किया कल तुम कर लेना हिसाब बराबर। कोर्ट कचहरी जाने की क्या जरूरत है, कोई नहीं। आपको नहीं जाना तो ना जाइए, लेकिन मैं तो जाऊंगा। चलो दोस्तों। धीरे धीरे। अरे भाई ठहरो ठहरो ठहरो, जब बात आसानी से यहीं खत्म हो सकती है तो उसे लंबा करने की क्या जरूरत है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर जिंदगी में सुखी रहना है तो दो कोटों से बचो, एक काला कोट वकील का और एक सफेद कोट डॉक्टर का। चुप चुप चुप, तुम्हारी ये मरम पट्टी जो है ना वो मेरी बीवी मुफ्त में करेगी। बाकी बात रही सुनिंदा की, तो मैं उसे डांट कर कहूंगा कि वो जिंदगी में कभी फिर तुम्हारे साथ शरारत ना करे। ठीक है, तो फिर आप उसे कह दीजिए कि कॉलेज में आकर सब दोस्तों के सामने मुझसे माफी मांगे। मांगेगी, जरूर मांगेगी। मालूम है कल मेरे दोस्त ने क्या किया? क्या? पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर को लिपोराम बनाया। देखो देखो कौन आ रहा है। हे,
संदीप, वो टेनिस कोर्ट पे मुझसे जो गलती हो गई थी ना, आई एम वेरी सॉरी। मेरी जो ये फ्रेंड्स है ना, इनके बहकावे में आके मैंने वो गलती कर दी। मैं अपनी गलती के लिए एक और बार अपोलोजाइज करती हूँ, मगर मुझे मालूम है कि तुम मुझे माफ कर दोगे ना? ये एक छोटा सा तोहफा, प्लीज स्वीकार कर लो। अगर आप ये तोहफा ले लोगे ना, देन आई एम श्योर कि आपने मुझे माफ कर दिया। प्लीज, ओके? अरे ले ले यार, बड़े प्यार से दे रही है। ये सिर्फ मेरे लिए है। ओके भाई और बहनों, सैंडी अब सुनंदा का गिफ्ट खोल रहा है, जो कि सिर्फ उसके लिए है, जो कि सिर्फ नजरों से नजरे मिली, दिल का चमन खिला। नजरों से नजरे मिली, दिल का चमन खिला। कोई मेरा दिलदार हुआ, मैन मिले प्यार हुआ। लिपो राम कम निपोल कम चला, लिपो राम कम निपोल कम चला। पसीना झूले उसे तो आए पसीना। कोई मेरा दिलदार हुआ, नैन मिले प्यार हुआ। लिपो राम कम निपोल कम चला, लिपो राम कम निपोल कम चला। नजरों से नजरे मिली, दिल का चमन खिला। कोई मेरा दिलदार हुआ, नैन मिले प्यार हुआ। लिपो राम कम निपोल कम चला, लिपो राम कम निपोल कम चला। परम 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 पम परम 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 परम। नजर से मुझे मारा, मारा मैंने उसे दिल में उतारा, उतारा। तिरछी नजर से मुझे मारा, मारा मैंने उसे दिल में उतारा, उतारा। कितना हसी है मेरा सनम है, जितना भी देखो उतना ही कम है। कोई मेरा दिलदार हुआ, नैन मिले प्यार हुआ। लिपो राम कम निपोल कम चला, लिपो राम कम निपोल कम चला। लिपो राम कम निपोल कम चला, लिपो राम कम निपोल कम चला। नजरों से नजरे मिली, दिल का चमन खिला। नजरों से नजरे मिली, दिल का चमन खिला। कोई मेरा दिलदार हुआ, नैन मिले प्यार हुआ। लिपो राम कम निपोल कम चला, लिपो राम कम निपोल कम चला।
अरे तुम आज गंगा राम जी छुट्टी पर हैं, इसलिए खाना मैं लेकर आई हूँ। जो आई है ना उसको तुम लोग अभी जी बोलो, मैं अमले पटा देगी। ए दोस्तों, यहाँ अपना कुछ नहीं होने वाला, ये इंस्पेक्टर है ना, ये बहुत कड़क है। हाँ हमें माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब हम कॉलेज की किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, हमें जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर वाले हमें ढूंढ रहे हैं। अरे छोड़ना, तुम लोग कितना भी तड़पो कितना भी गिड़गिड़ाओ, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो है ना बहुत कड़क है। हाँ ऐसा इन लोगों ने क्या किया है जो आपने इन सबको बंद कर रखा है? सोनू के साथ कॉलेज में छेड़खानी कर रहा था, गाना गा रहा था बेवकूफ, और तो और मम्मी डैडी और मुझे बेवकूफ बनाया इसने। इसमें हंसने की क्या बात है? इट्स नॉट फनी हेमा। क्या है? आपने तो कॉलेज में इनसे भी बड़ी बड़ी शरारतें की है, तो फिर आपको भी इनके साथ अंदर होना चाहिए। मैं अभी आया हूं। ओफो, तंग आ गई हूं इन बालों से, जितनी बार कटवाती हूँ उतनी बार बढ़ जाते हैं, एक दिन पार्लर जाके सारे कटवा दूंगी। अरे रे रे रे, ऐसा मत करना, इतने सुंदर बालों को कटवाएगी तो बिल्कुल बंदरिया लगेगी, फिर कोई लड़का तेरी तरफ देखेगा भी नहीं। अरे हेमा, लड़के तो मुझे वैसे ही नहीं देखते, मेरा भाई इंस्पेक्टर जो है। ओ, और जो आंख उठाकर देखते हैं वो सीधे लॉकअप पे जाते हैं, क्यों? That's right. आपको कैसे पता? मैं तेरे भैया का खाना लेकर पुलिस स्टेशन गई थी, बैठ जा। What? Really? क्या देखा आपने? उन लड़कों की तो खूब पिटाई हो रही होगी। बहुत जुल्म हो रहा था उन पर। वेरी गुड, भूखा प्यासा रखा हुआ था उन्हें। वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन मुझे तो उन पर तरस आ गया, इसलिए तेरे भैया का खाना मैंने उनको खिला दिया। क्या? तो फिर भैया का क्या हुआ? वो वड़ा पाव और भजियों से गुजारा कर लेंगे। Don't tell me, हेमा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो लड़के एक नंबर के बदमाश है, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मुझे तो वो बेचारे बड़े शरीफ लगे, और उसमें से एक तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही जल्द उससे एक रिश्ता जुड़ने वाला है। अगर आप उससे रिश्ता जोड़ेंगी तो फिर भैया का क्या होगा? Shut up. अब देख तेरे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, देख। Wow, Hema, thanks. अब से आप ही मेरे बाल संवारना। क्यों? किसी होने वाले रिश्तेदार को दिखाना है क्या? उन्हें तो प्रिंसिपल साहब देख रहे होंगे। Shut up. शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माँ बाप तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं या पिकनिक मनाने के लिए? पिकनिक? हाँ, मैं जानता हूँ कल तुम सब कॉलेज से छुट्टी करके पिकनिक मनाने गए थे। सर, पर आपसे किसने कहा कि हम पिकनिक पर गए थे? सुनंदा ने। कितनी समझदार और इंटेलिजेंट लड़की है वो। सुनंदा की समझदारी तो अब हमारी समझ में भी आ गई, हवालात में बंद भी करवाया और यहाँ भी फंसवाया। संदीप जी। सर, तुम इस कॉलेज के ट्रस्टी के बेटे हो, और वैसे भी ये तुम लोगों की पहली गलती है, इसलिए मैं तुम लोगों को 100-100 रुपए फाइन करके माफ करता हूँ। थैंक यू सर। यू मे गो नाउ। मरवा दिया यार। अरे छोड़ना यार, हमारे कॉलेज में उस सुनंदा ने हमें लिपोराम बना दिया, हमें तो डूब के मर जाना चाहिए। वेरी इंसल्टिंग। लिपोराम कम लिपोल कम चला, लिपोराम कम लिपोल कम चला, लिपोराम कम लिपोल कम चला, लिपोराम कम लिपोल कम चला। We'll be right back.
सर में दर्द या भारीपन? बिल्कुल नहीं आंटी। आंखों में जलन या कोई टेंशन? नॉट एट ऑल। गुड, देन यू आर ओके। चलिए भागिए, चलिए। ओके, थैंक्स। हेमा, कल सुबह तुम नाश्ते से पहले सुनंदा को मेरी क्लिनिक में ले आना, मैं उसका टेस्ट लेना चाहूंगी। कोई डर वाली बात तो नहीं है ना अंजू? नथिंग टू वरी मुक्ता, टेस्ट तो मैं अपनी तसल्ली के लिए लेना चाहती हूँ। मुक्ता, सुनंदा कहाँ है? डैड। अरे अब तो कैसी है बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैडी, रिलैक्स। मैं तो घबरा ही गया था, गंगाराम ने जब टेलीफोन पर बताया कि तेरी अचानक तबीयत खराब हो गई है, अब तो ठीक है ना तू? डैडी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी, रिलैक्स। गंगाराम, ओ गंगाराम। जी मैम साहब। तूने साहब को फोन किया था? हाँ जी, मैंने फोन करके बुला लिया, 8 आने में काम हो गया। अगर टैक्सी लेके बुलाने जाता तो 80 रुपए खर्च होते, कितने पैसे बचा लिए। इडियट। जी साहब आ गए 8 आने में। सुनंदा। हे बिग ब्रदर, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। अच्छा, आपको भी गंगाराम ने फोन किया? हाँ, क्यों? डफा, बाप रे। सुनो, अब टेलीफोन करके सबको बुलाया है तो सबके लिए चाय का बंदोबस्त भी करो। हाँ जी। चलो और सुन, वो फ्रिज में काजू की बर्फी और गाजर का हलवा रखा है, वो जरा गर्म करवा के ले आ। हाँ हाँ, ले आओ ले आओ, लेकिन तुम नहीं खाओगे। मैं नहीं खा सकता तो दूसरों को खाते हुए तो देख सकता हूँ। वैसे अंजू मेरी बेटी की तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें मुक्ता के क्लिनिक में देखकर मेरा दिल घबरा गया था। घबराने की कोई बात नहीं, शी इज ऑल राइट। नहीं, वो बात क्या है कि मेरी सोनू को इतनी सी भी तकलीफ होती है ना, तो मेरे दिल को इतनी बड़ी तकलीफ होती है। बेटी को इतना प्यार करेंगे तो उसकी शादी के बाद उससे दूर कैसे रहेंगे? अरे उसे दूर जाने कौन देगा, मैं तो एक अच्छा सा घर जमाई ढूंढ कर अपनी बेटी की उससे शादी कर दूंगा। और अगर ऐसा घर जमाई ना मिला तो? तो मैं दहेज में खुद अपनी बेटी के घर चला जाऊंगा। बाय। There's a place in your heart, and I know that it is love, and the place is much brighter than tomorrow. And if you boom. Arre shaitan, जाग रही है। अगर मुझे पता होता कि इतने से दर्द के कारण मुझे पापा का इतना सारा प्यार मिलेगा तो मैं दुआ करूंगी कि ये दर्द कभी ठीक ना हो। अगर तू ऐसी दुआ करेगी तो तेरा ये डैडी तेरा दर्द देख देख के मर जाएगा। डैडी। हाँ बेटी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तेरे सारे दुख दर्द मुझे मिल जाए और मेरी जिंदगी के बाकी सारे सुख तुझे मिल जाए। अगर भगवान ऐसा करेंगे ना तो मैं तुमसे झगड़ा कर लूंगी। डैडी। हाँ। झगड़ा करेगी? हाँ? तू झगड़ा कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि झगड़ा करेगी तो पुलिस केस बन जाएगा, पुलिस केस बनेगा तो अदालत में जाना पड़ेगा, और अदालत में जाएगी तो तुझे वकील खड़ा करना पड़ेगा, और मैं खड़ा हूँ नहीं क्योंकि मेरी फीस बहुत ज्यादा है एंड यू कैन नॉट अफोर्ड इट विद योर पॉकेट मनी। चल चल नट कर, सो जा। चल एंड नो म्यूजिक। ओके, गुड नाइट बेटे। तुम यहाँ खड़े क्या सुन रही हो? तुम दोनों की बातें सुन रही थी। चल री सजनी, हम क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल री सजनी, हम क्या सोचे, Thank you.
राजीव की तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन सुनंदा दिन ब दिन सियानी हो रही है। कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी की बात चलाइए ना। कहाँ खो गए? अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? ऐसा क्यों होता है मुख्तार कि अपने कलेजे का टुकड़ा हमें एक दिन किसी दूसरे के सुपुर्द कर देना पड़ता है? आप ही तो बेटी के बाप होने की भगवान से दुआएं मांगा करते थे, और अब उससे दूर हो जाने के गम में आंसू बहा रहे हैं। कितने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है उसे, और अब वो दिन करीब आता जा रहा है जब वो हम सबको छोड़कर चली जाएगी। भगवान ने हमें एक बेटा भी तो दिया है, बेटी चली जाएगी तो बहू आ जाएगी। वो तो आ जाएगी, लेकिन बेटी बेटी होती है। बाय मामा। अरे सोनू कहाँ जा रही हो? प्रैक्टिस के लिए माँ। डॉक्टर ने तुम्हें एक्सर्शन करने से मना किया है, और तुम तो सुबह होते ही। मॉम मैं बिल्कुल फिट हूँ, प्रैक्टिस तो करनी है, टूर्नामेंट का सिलेक्शन हो रहा है माँ। इस पे तो टूर्नामेंट का भूत सवार है, कौन समझाए इसे? समझाने की क्या जरूरत है, जब इसका बाप छोटी मोटी बीमारियों से नहीं घबराता तो ये कैसे घबराएगी? थैंक्स डैड। सुन तेरा सिर दर्द कैसा है? गया पापा, बिल्कुल गया। अगर हो भी तो दर्द यहाँ छोड़ देना, और सर ले जाकर खूब टेनिस खेल, बाप की तरह से अपना नाम रोशन कर। थैंक्स डैड। बाय मॉम, डोंट वरी। दम लगा के हाईशा। आप इसे समझाते क्यों नहीं? डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है। अरे तो ठीक है, आराम हम कर लेते हैं। अरे यहाँ अपना राजा है, कौन रोकेगा? बैठ। अरे निकल। Do you know डब्बू, स्टैंडर्ड 12 स्टूडेंट जूनियर, कॉलेज फॉर्म भर रहा था। नाम के सामने लिखता है डब्बू, ऑक्यूपेशन के सामने लिखता है कॉलेज स्टूडेंट, एज के सामने लिखता है 21 इयर्स, और सेक्स के सामने लिखता है। ओए मार डाला। असली माल। अरे कहाँ गया वो? अरे ओ वेटर। हाँ साहब। अरे क्या साहब, हमारी दवाई के लिए पानी ला यार। अबे मुंह क्या देख रहा है, सोडा ला सोडा। शराब पीने के लिए सोडा नहीं है साहब। हाँ शराब पीने के लिए यहाँ पे सोडा नहीं है। सोडा मिलेगा ना? जरूर मिलेगा साहब। मिस्टर, ये कॉलेज कैंटीन है, कोई तुम्हारे बाप का घर नहीं। सिगरेट ग्लास से निकालो और माफी मांगो। ओके ओह, टीचर जी नाराज हो गई हैं। चलो बच्चे लोग जल्दी से सॉरी बोलो, अंग्रेजी समझती है ना? सॉरी टीचर। ए गुड़ियाएं नाराज नहीं हुआ करती। चल चली आया सब लाइन में। अरे मुंबई में रहते हो और यहाँ के कायदे कानून नहीं जानते? मुंबई में हर चीज की लाइन होती है, दूध की लाइन, राशन की लाइन, नौकरी की लाइन, बस की लाइन, ट्रेन की लाइन, तो फिर छोकरी की लाइन भी होनी चाहिए ना? होनी चाहिए कि नहीं? लो कालिया, इसे नीचे उतारो और लाइन में आओ। हम जिस लाइन में है ना, उस लाइन में लाइन नहीं लगाई जाती, रस्ते लगाए जाते। लगता है इसको भी रास्ते लगाना पड़ेगा। अरे
क्यों बच्चे, सोडा पिएगा ना? ए विजय, आपके लिए सोडा लेके आओ, और एक नहीं पूरा क्रेट लेके आओ। सोडा पिएगा ना? हेलो आंटी जी। हेलो, कौन हो तुम लोग? हम संदीप के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। संदीप के साथ कुछ काम था। क्या काम है? मुझे नहीं, इसे इसे कुछ काम था। ओ, तो तुम्हें क्या काम है? स्टूपिड, बोल ना, शर्मा मत। ओ संदीप। जी आंटी। इधर आओ, कोई तुमसे मिलने आया है। कौन आया है आंटी? हाय आंटी। हाय। ओ तुम, बोल ना। संदीप, कल जो उस गुंडे से तुमने मेरी इज्जत बचाई, उसका शुक्रिया अदा करने आई हूं मैं। कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन टेनिस कोर्ट में जो तुमने मुझे चोट पहुंचाई, उसका क्या? I'm sorry for that. लॉकअप में बंद करवाया, हवलदार के डंडे पड़वाए, उसका क्या? I'm sorry. कॉलेज में प्रिंसिपल की डांट पड़वाई, फाइन भरवाया, उसका क्या? हाँ? I'm extremely sorry for that. तुम क्या समझती हो तुम्हारे सॉरी कहने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? हरगिज नहीं। हरगिज नहीं? हाँ? अब क्या करोगी? अरे बाबा कुछ करो। हेलो, मुर्गे ने भी बांग दे दी। हेलो, गुड मॉर्निंग मुक्ता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, पहले तो आप कुंभकर्ण की तरह देर तक सोते रहते थे, आजकल कौवे की तरह जल्दी उठ जाते हैं। वो बात क्या है कि तूने जॉगिंग की आदत डलवा दी है ना? भगवान का शुक्र है बुढ़ापे में अकल तो आई। अब एक टाइम में एक ही चीज आ सकती है ना? मतलब? मतलब ये कि जवानी में तुम आ गई और बुढ़ापे में अकल आ गई। शुक्र है मेरे आने से कुछ तो फायदा हुआ। एक फायदा जरूर हुआ कि सुबह सुबह ताजी ताजी मन पसंद चटपटी चीजें खाने को मिल जाती है। मतलब? मतलब ये कि ताजी ताजी हवा, ताजी ताजी धूप, ताजी ताजी खुशबू। मैं चलता हूँ, नहीं तो ये सब ताजी ताजी चीजें बासी हो जाएंगी। मैं चला बाय। हवा, धूप, खुशबू। गुड मॉर्निंग सर। यस मॉर्निंग। गुड, आजकल बहुत खुश लगता है साहब। वन टू वन टू वन टू वन टू। गुड मॉर्निंग मैडम। इधर आओ। यस मैडम। ऑटो लेकर आओ। अभी लाया मैडम। आहा, ऑलवेज ऑन टाइम। सर आइए आइए आइए। अरे आनंद, आनंद ही आनंद है ना। देव साहब आप ही की तो कृपा है। घर से यहाँ तक जॉगिंग करने में आदमी थक जाता है। एक रिक्शा देखिए। अरे तेरे को तो मालूम है। आज एक नई किस्म का ऑमलेट बनाते हैं। कौन सा सर, कौन सा? कोल्हापुरी सिजलर। कोल्हापुरी ऑमलेट। सर आपकी ये रोज रोज नए नए ऑमलेट बनाने के तरीके ने हमारे देव आनंद स्टॉल को कहां से कहां पहुंचा दिया है सर। कस्टमर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। अच्छा। अरे टेलीफोन पे भी ऑर्डर आते हैं सर। आ गया। और इसमें प्याज जरा ज्यादा। हाँ ये देख, मिर्ची भी ज्यादा। डबल ट्रिपल। इतनी सारी मिर्ची सर? इतनी मिर्ची खाकर तो आदमी सीधा कोल्हापुर पहुंच जाएगा। कोल्हापुर पहुंच जाएगा, वो भी बिना टिकट के। इसको डबल फ्राई करना है। ये है कोल्हापुरी। देख अब तेरे को मैं चख के बताता हूँ।
सर खुशबू तो बहुत बढ़िया है। इसकी कीमत क्या रखेंगे? 30 रुपए? अरे नहीं नहीं नहीं, ये देसी है, इसकी कीमत कम रखो, 1595। 1595? 16 रुपए क्यों नहीं? अरे 16 रुपए ज्यादा लगते हैं, बाटा की तरह 1595। अरे क्या बात है सर, क्या मजेदार है। क्या ऑमलेट वाकई मजेदार है? बहुत मजेदार है। अरे मैम साहब को भी एक कोला पूरी लगा जी। शर्म नहीं आती? शर्म मुझे क्यों आई? जॉगिंग का बहाना करके घर से निकलते हो और यहाँ आकर ऑमलेट खाते हो? ये ऑमलेट तो ये खा रहा है। मेरा कहाँ है सर, आपका है, मैंने तो अभी तक चखा तक नहीं। अरे ये मेरी बीवी है। हाँ मेरा है, मेरा, हाँ, मेरा बहुत अच्छी बीवी है, भगवान ऐसी बीवी सबको दे। देख देख मुक्ता, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मेरी बेइज्जती खराब मत कर, शहर में मेरा कितना बड़ा नाम है, देख मैं अपने पाँव छूता हूँ। ये तू ले, इनको तो मैं घर जाके देख लूंगी, और तुम आइंदा इन्हें यहाँ ऑमलेट खिलाया ना तो मैं तुम्हारा स्टॉल तोड़वा दूंगी, समझे? भगवान, ऐसी कोल्हापुरी बीवी किसी को ना दे, हमारे साहब को ऑमलेट भी खाने नहीं दिया। मैं खा लेता हूँ। डेविड, डेविड, दरवाजा बंद कर दे, किसी को अंदर नहीं आने देना, ओके सर, तुझे बाहर कर दूंगा। क्या करता है तुम? ओ मैडम नमस्ते। साहब आ गए? साहब कौन सा साहब? आई डोंट नो मैडम, नहीं। मेरी बच्ची को इतनी बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। अंजू, सीटी स्कैन करते वक्त शायद कोई गलती हुई हो, प्लीज अंजू फिर से चेक करो प्लीज। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ मुक्ता, लेकिन सच्चाई को छुपा भी तो नहीं सकती थी। लेकिन मम्मी ऑपरेशन करके तो? इट्स नॉट पॉसिबल हेमा, सुनंदा को ब्रेन कैंसर है। क्रियोमा एस्ट्रोस्टेंजन मिलिग्नेंट ग्रेड 3 है। इसका मतलब है इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। केमोथेरेपी और रेडिएशन से कंट्रोल किया जा सकता है। एक बात याद रखना, सुनंदा को हमेशा खुश रखना, उसे किसी बात का दुख या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये तो क्या कह रही है अज्जू, मौत मेरी सुनंदा के करीब धीरे धीरे आती रहे और मैं खामोश बैठे देखती रहूं। कैसे हो सकता, कैसे हो सकता है जो? ये कैसे हो सकता है जो? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सुनंदा को ब्रेन कैंसर है। सुनंदा को ब्रेन कैंसर है। सुनंदा को ब्रेन कैंसर है। ए, देख। मामा। मामा। हाय मॉम। हाय बेटा। थैंक्स। मॉम, आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान करे तेरी खुशियाँ कभी कम ना हो। Hey, where's my present? बोल बेटी, क्या चाहिए तुझे? जो मुझे चाहिए वो आप दे दोगे? बेटी, जो तुझे चाहिए वो हम दे देंगे। मांग के तो देख। प्रॉमिस।
प्रॉमिस 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 जाके देखो ऋषि। चलो 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 चलो, तुम कहाँ चले, काम करो, ये पुलिस स्टेशन नहीं है। चलो चलो चलो। क्या बात है मुक्ता, सुनंदा का बचपन देख रही हो? बस यूं ही। मुक्ता, मैंने तुम्हें हमेशा हंसते गाते मुस्कुराते हुए देखा है, ये आजकल तुम्हें क्या हो गया है? आज पार्टी में भी तुम रो रही थी। उस दिन आप भी तो रो रहे थे, वही सोचकर मुझे भी रोना आ गया। सचमुच धीरे धीरे वो दिन भी करीब आ रहा है जब सुनंदा हम सबको छोड़कर चली जाएगी। अरे पगली, उस दिन तुम्ही ने तो कहा था कि बेटी जाएगी तो बहू घर में आ जाएगी, तुमने समझाया और मैं समझ गया। आप तो समझ गए, लेकिन मैं अपने आप को कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? बस बस मुक्ता, रो नहीं, बस बस। हाय। हाँ बोल। ए कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं। अरे तुम पानी पियो ना। तुम पियो ना। अरे मुझे प्यास नहीं, आई स्वेयर, पियो। अच्छा। कितनी गर्मी है, कितना पसीना आ गया ना। यू नो संदीप, जब पहली बार तुमने मेरे साथ यहाँ खेला था और तुमने खूब मार खाई थी, मुझे लगा तुम बिल्कुल कच्चे खिलाड़ी हो। जान, वो तो तुम्हारा दिल जीतने के लिए मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था। बिग डील। टूर्नामेंट के दिन तुमने पूरी कोशिश की थी मुझे हराने के लिए। हराने की नहीं, तुम्हारा साथ देने की कोशिश की थी, ताकि तुम्हारे साथ साथ इंटरस्टेट चैंपियनशिप के लिए मैं भी चुन लिया जाऊँ। संदीप, तुम्हें लगता है हम टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट कर लिए जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो है कि कर लिए जाएंगे। अरे तुम दोनों तो सिलेक्ट कर लिए गए हो। ये सच है ना? Yes! Oh my God! हम लोग दिल्ली जाएंगे। मेरे इंटरव्यूज ऑल ओवर, फोटोग्राफ्स ऑल ओवर। आई कैन नॉट बिलीव दिस। मम्मी तो सुनकर चीख पड़ेगी। इनफ इज इनफ सुनंदा, तुम मैच खेलने नहीं जाओगी। लेकिन क्यों माँ? तुम्हारे हर क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। अरे ऑब्जेक्शन। तुम भी कमाल करती हो मुक्ता, इसी दिन के लिए उस बेचारी ने इतने महीनों से मेहनत की और तुम एक ही दिन में उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देना चाहती हो। माँ, इसमें तो सुनंदा का नाम होगा, आफ्टर ऑल इंटरस्टेट टूर्नामेंट खेलना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। कम ऑन। तुम लोग सुनंदा की तबीयत के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर उसे दिल्ली में कुछ हो गया तो? लेकिन माँ उसे क्या? माँ मुझे कुछ नहीं होगा, वो एक हल्का सा चक्कर था और आप आज तक उसे लेके बैठी हैं। प्लीज लेट मी गो। ओह माँ। देखो मुक्ता, अगर तुमने सुनंदा को दिल्ली जाने से रोका तो वो चुपके से मेरी तरह चली जाएगी, जैसे मैं वो ऑमलेट खाने चला जाया करता था। क्या कहा? ऑमलेट? तुम्हें ऑमलेट खाना मना है ना? डॉक्टर आंटी, आप ये ऑमलेट वॉमलेट छोड़िए, आप मुझे बताइए मुझे कौन सी बड़ी बीमारी जो मम्मी मुझे दिल्ली जाने से रोक रही है। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। ग्रेट, तो आप मम्मी को समझाइए प्लीज। मुक्ता, इसे जाने दो ना। मगर अंजू, डोंट बी अनफेयर मुक्ता, इसे जाने दो। शी इज अ चैंपियन, शी मस्ट फाइट। तुम तो अच्छी तरह जानती हो अंजू, मैं सुनंदा को दिल्ली जाने से क्यों रोक रही थी। जानती हूँ, लेकिन उसे दिल्ली जाने से रोकना भी तो उसकी बीमारी का इलाज नहीं। उसका दिल टूट जाता, उसके मन को ठेस पहुंचती। हर कोई उससे यही पूछता कि वो खेलने क्यों नहीं गई, तो वो क्या जवाब देती? मेरे ख्याल से मुक्ता, वो उसके लिए ज्यादा हार्मफुल होता। तबीयत तो उसकी कभी भी खराब हो सकती है, अटैक तो उसे कभी भी आ सकता है, चाहे वो खेलने जाए या ना जाए। कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? उसे खुश रखने की कोशिश करना, जब भी उसके सर में दर्द हो जाए
तो उससे कहना कि ये टैबलेट ले ले, उसका दर्द कम हो जाएगा। इस टैबलेट से कुछ होगा तो नहीं? मम्मी, हाय, हेलो, मम्मी कहाँ है? नीचे पुलिस किचन में। और भैया कहाँ है? शट अप। मम्मी, मॉम, क्या है? आपने मेरा कैमरा लिया क्या? तेरा कैमरा किसी ने नहीं लिया, तू ही बाहर रखकर भूल गई थी। ओह, मैंने अपने कबर्ड में रखा है, जा जा कर ले ले। थैंक्स। जब जरूरत की चीज खो जाती है तो कितनी तकलीफ होती है ना? और अगर आप चीज रखकर भूल जाएं, तो किसी और के हाथ लग जाती है। क्या मतलब? आशीर्वाद दो कि जिस खेल के लिए मैं जा रही हूं उसमें मैं जीत जाऊं। अपना पैकिंग खत्म कर। ओके। देखा तुम लोगों ने, अपनी सुनंदा ने बॉम बॉम बेकर को बेकार कर दिया। एक पॉइंट गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूरी मैच बाकी है। रुको, कोई नहीं, अगला पॉइंट जीतेगी, कोई बात नहीं। Ha ha ha!
What's wrong? Are you okay? Fine? Come on, come on. We gotta fight. Sonu, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Are you sure you're okay? Come on, we gotta win. ये मुक्ता को क्या हुआ? पहली बार सुनंदा को मैच खेलते हुए देखा है ना, शायद इसलिए. मैं देखती हूँ. हाँ हाँ, तुम देखो, मुझे तो मैच देखना है. सुनंदा फाइनल्स जीत गई. अरे आंसू पोंछ, मिठाई बांट, क्या शॉट मारे हैं उसने, क्या सर्विस की उसने. देखना एक दिन वो इंटरनेशनल चैंपियन बनेगी. वो तो ठीक है, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट आपके लिए ठीक नहीं है. अरे अंजू, आज मुझे कुछ नहीं होने वाला. मेरी बेटी ने गर्व से मेरा सीना और भी चौड़ा कर दिया है, 42 से 46 कर दिया है. गॉड ब्लेस यू बेटी, तुम जीती रहो, तुम जियो हजारों साल. आई आई डॉक्टर साहब, लो डॉक्टर साहब भी आ गए. बैठिए सर. सिंधी, व्हाट्स दिस? कुछ नहीं, जस्ट वेट. व्हाट्स गोइंग ऑन? अरे संदीप, आप डॉक्टर साहब को क्यों ले आए? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. डॉक्टर साहब, क्या मैं आपको बीमार लग रही हूँ? एम आई लुकिंग सिक? लगता तो नहीं है, फिर भी मैं चेकअप कर लेता हूँ. चेकअप किस बात का? जो मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब. इट्स ओनली एग्जॉशन, बिलीव मी डॉक्टर साहब, डोंट वरी, आई एम फाइन, आई एम फाइन. लेकिन सोनू, तुम्हें अचानक क्या हो गया था? संदीप, ऐसी हालत में आदमी बेहोश तो गया, उसका दम निकल सकता है? इतना बड़ा टूर्नामेंट, लोगों की तालियां, इतना सारा शोर, इतनी अप्रिसिएशन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई संदीप. सच? और मैं खुशी के मारे बेहोश हो गई. ओके, ओह सोनू, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी. मिस्टर संदीप, आई थिंक शी इज ऑल राइट, यू विल बी वेल. थैंक यू. फिर भी संदीप, किसी बात की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना. ओके, बाय. बाय डॉक्टर. ओके सोनू, मैं भी चलती हूँ, बॉम्बे जाने के लिए पैकिंग करनी है ना. बाय. ओए ओए, मैं भी चलता हूँ. टेक केयर. या ओए, रुक तो. ओए ओए, देख के यार. ओके सोनू, मैं भी चलता हूँ. तुम कहाँ जा रहे हो? अरे पैकिंग करने. इतनी मुश्किल से तो मौका मिला है हमें साथ होने का, और तुम हो कि मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो. संदीप, हो सकता है ये पल हमारी जिंदगी में दोबारा ना आए. हमें तकदीर ने ये समय दिया है, अब इस समय में हम पूरी जिंदगी को जी लें. कोई भी आशा या इच्छा अधूरी ना रहे.
हेलो। हाँ सांदली बोलो। मैं स्पीक टू सुनंदा। हाँ सुनंदा अपने कमरे में सामान अनपैक कर रही है, अभी भी तो आई जीत के। अभी आई है? ओह माय गॉड, दैट मींस शी हैज स्पेंट 4 डेज विद सैंडी। लकी गर्ल। तुम कब आई? 4 दिन पहले। सांदली तुम 1 घंटे के बाद फोन करोगी? मैं कह दूंगा तुम्हारा फोन आया था। जी भैया। सुनंदा। हाँ भैया। तुम्हारे साथ आज वापस कौन कौन आए थे सुनंदा? सभी। सभी मतलब कौन, नाम बताओ। मैं सांदली। शट अप सुनंदा, झूठ बोल रही हो तुम। वो सब 4 दिन पहले आ चुके हैं। किससे पूछकर तुम वहां रुकी थी? मुझसे पूछकर। क्या माँ, क्या आप जानती है ये संदीप कौन है? वो एक शराबी आवारा अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। सुनंदा, राजीव जो कह रहा है क्या वो सच है? आप लोग जैसा संदीप को समझ रहे हैं वो वैसा बिल्कुल नहीं है डैड, और हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। डैडी मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ कि मैं। आपने जितनी छूट दे रखी है सुनंदा को वो अच्छी नहीं है। मुक्ता, ये सब क्या नाटक है? मैं सब कुछ बाद में बताऊंगी आपको। अब तक अपने भैया से बात नहीं की? इतना बुरा मान गई क्या अपने भैया की बात का? नहीं, उन्होंने तुझे डांटा जरूर था, लेकिन ये सच है, वो तुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। जब तू दिल्ली थी ना तो भी रोज तेरे ही बातें किया करते थे। गलती तो मेरी है हेमा, 4 दिन संदीप के साथ जीने की खुशी में मैं दूसरे रिश्तों को भूल गई थी। मैंने सुना था कि जिंदगी 4 दिन की होती है, पर 4 दिन में जिंदगी को जीना कितना मुश्किल है ये मुझे मालूम नहीं था। अरे पगली, तेरी जिंदगी तो बहुत बहुत लंबी है, आ तेरे बाल बना दूं। कुछ नहीं, बाल टूट रहे हैं। अच्छा, मैं तो वैसे भी सैलून में जाके पूरे कटवाना चाहती थी, बहुत परेशान करते हैं। अब आपको दोबारा सवारने भी नहीं पड़ेंगे, फिर मैं लगूंगी पक्की बंदरिया। हेलो माँ, वो सुनंदा। क्या बात है, तू रो क्यों रही है? अब दवा उस पर असर नहीं कर रही है माँ। सुनंदा के सिर के बाल गिरना शुरू हो गए। She has reached the last stage. Hey, माँ! हे मा, ओ हे मा। हे मा,
क्यों रही हो? हाँ? बात क्या है? ये तुम्हारे तो नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है बताओ? ये क्या? हेमा तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बात क्या है बताओ? हेमा सुनंदा हम सबको छोड़कर बहुत ही जल्द हमसे दूर जाने वाली है। क्या मतलब? सुनंदा को ब्रेन ट्यूमर था, अब वो कैंसर बन चुका है। कैंसर? कैंसर? लेकिन कुछ दवाइयां वगैरह कुछ? मेडिकल साइंस के अनुसार जो भी इस केस में पॉसिबल है वो हम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी हैज रीच्ड द लास्ट स्टेज। लास्ट? सुनंदा इसके बारे में जानती है? नहीं, सिर्फ मैं, माजी और अब आप जानते हैं। सुनंदा और डैडी को किसी भी हाल में इसका पता नहीं लगना चाहिए। अब शायद उसके पास बहुत ही कम वक्त रह गया है। हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि वो हमेशा खुश रहे। पौधा मैं सिर्फ आपके लिए लगा रही हूं भैया, इसे कभी सूखने नहीं देना, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल खिलेंगे जिनकी खुशबू इस घर को महका देगी। तब आपको मेरी बहुत याद आएगी भैया। सिर्फ याद आएगी? हाँ, क्योंकि फिर तो मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा पगली। क्या बात कर रहे हैं भैया, एक ना एक दिन तो आपको खुद अपने हाथों से मुझे विदा करना होगा, यही तो दुनिया की रीत है। Come on, Sonu, let's play, yaar. What's the problem? क्या बात है स्वीटहार्ट? मूड ठीक नहीं है। मूड ठीक नहीं है? अभी ठीक करता हूँ। कुछ याद आया? इसी जगह पे तुमने मेरा क्या हाल बनाया था? एक बॉल यहाँ मारी थी और फिर एक बॉल यहाँ और फिर एक बॉल मुंग मुंग मुंग, याद आया? सोनो, खेल खेल में हम दोनों इतना आगे निकल आए हैं, एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि अब पीछे जाना नामुमकिन है। संदीप, खेल खेल होता है और जिंदगी जिंदगी, ना तो खेल जिंदगी बन सकता है और ना जिंदगी। अरे लेकिन तुम तो मेरी हो सकती हो ना, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, ताकि हम दोनों के बीच में जो थोड़ी सी दूरी रह गई है ना वो भी खत्म हो जाए। ए, ठहरो 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 ठहरो, तुम लड़कों को ये दूरी खत्म करने की बड़ी जल्दी होती है, लेकिन मैं ये दूरी थोड़ी देर और कायम रखना चाहती हूँ। क्यों? जब मैं दुल्हन बनकर घर से चली जाऊंगी तब मेरी जगह लेने वाला घर पर भी कोई होना चाहिए ना। क्या मतलब? मैं पहले घर में भाभी लाना चाहती हूँ।
अरे लेकिन हेमा भाभी तो घर पर ही हैं, और किसको भाभी बनाकर ला जाती हो? शट अप, मैं हेमा की शादी राजीव भैया के साथ करवा कर उन्हें लीगली ऑफिशियली अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। तू सोई नहीं अभी तक? आपको परेशान देख के मुझे नींद कैसे आएगी? परेशान? और मैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। तू जा जाकर आराम से सो जा। आराम की नींद तो उन्हें आती है माँ, जिनकी जिंदगी में सवेरा हो। पर जिनकी जिंदगी की शाम हो रही हो, उन्हें भला नींद कैसे आएगी? ये तू क्या बकवास कर रही है? ये सच है माँ। दिल्ली जाने से पहले आपके कबर में पड़ी हुई मेरी मेडिकल रिपोर्ट मैंने पढ़ ली थी। क्या? मुझे मालूम है मम्मी, आपका सुख, आपकी शांति, आपकी नींद सब मेरी बीमारी ने छीन ली। आप रोती रही, तड़पती रही, सब कुछ बर्दाश्त करती रही अकेले में, अकेले में माँ। मैं तुझे तेरी बीमारी के बारे में बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी मेरी बच्ची, लेकिन मैं छुपा कर भी छुपा नहीं सकी। आप रो मत, आप कभी नहीं रोना। आप मुझे देखो, क्या आपको मेरे चेहरे पर दुख की हल्की सी भी झलक दिखाई देती है? मुझे मौत से नहीं डर लगता माँ। नहीं सुनो, ऐसा कभी मत कहना, मत कहना ऐसा। माँ, मैं इस घर में नया सवेरा लाना चाहती हूँ, आप मेरी एक बात मानेंगे? तू जो कहेगी मैं पूरा करूंगी। बस तो फिर जल्दी से हेमा दीदी की शादी भैया से कर दे और घर में एक बहू ले आए, क्योंकि वो बेटी बनकर मेरी कमी को पूरा कर देगी। अरे भाई, इतनी रात गए, कौन किसकी कमी पूरी कर रहा है, मैं भी तो सुनूं। ये सोनू कह रही थी हेमा और राजीव की शादी कराने के लिए। अरे तो ये बात तो सुबह भी हो सकती थी, रात को नींद खराब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है डैडी, क्योंकि मेरे इस घर से जाने के बाद आपका और मम्मी का ख्याल रखने वाला कोई तो होना चाहिए ना। अरे तुझे मैं इस घर से जाने ही नहीं दूंगा, तेरी शादी के बाद लड़के को घर जवाई बनाकर यहीं रख लेंगे, क्यों मुक्ता? पर जब तक भैया की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। अरे शादी नहीं करेगी, मंगनी तो करेगी। राजीव की शादी के दिन हम तेरी एंगेजमेंट कर देंगे। चलो मुक्ता, बहुत रात हो गई, सो जाएं, सुबह जॉगिंग के लिए जाना है। चलो मुक्ता। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट बेटे। पास रहे कल भी कोई पास रहे।
Yes, Lily, good morning. What are my appointments for today? नहीं 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 अनाथ आश्रम 4 बजे नो 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 सर यू हैव टू कैंसिल ये है मिस्टर देव कोहली प्लीज थैंक यू कहिए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए मेरा नाम देव कोहली है एडवोकेट हाई कोर्ट अच्छा मैं सुनंदा का बाप हूँ सुनंदा कौन सुनंदा शायद आपको संदीप ने नहीं बताया नहीं मेरी बेटी और आपका बेटा एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं ओह तो आप मेरे बेटे की शिकायत करने आए हैं जी जी नहीं बात यह है कि आपका बेटा मेरी बेटी से प्यार करता है एक्सक्यूज अस ओके सर प्यार करता है जी हाँ कोहली साहब जवानी में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाया करती हैं मैं संदीप को समझा दूंगा अब बहुत देर हो चुकी है समझाने से कोई फायदा नहीं ओ तो क्या करना होगा शादी शादी वकील साहब शायद आप नहीं जानते कि आप इस वक्त किससे बात कर रहे हैं हमारा बेटा प्यार करने की गलती तो कर सकता है क्योंकि वो नादान है लेकिन आप शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं आप तो समझदार हैं देखिए आप लोग पैसे और रुतबे में हमसे बहुत बड़े हैं लेकिन भगवान ने इज्जत और खुददारी तो सबको एक सी दी है मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इन बच्चों के प्यार भरे दिल को मत तोड़िए वकील साहब आप फिर नादानों जैसी बातें कर रहे हैं आजकल जीने के लिए प्यार भरे दिल की नहीं दौलत भरी तिजोरी की जरूरत पड़ती है दौलत 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 बचपन से लेके आज तक मैंने आप लोगों को दौलत के पीछे ही भागते हुए देखा है लेकिन अब मुझे दौलत की नहीं प्यार की जरूरत है संदीप तुम अभी बच्चे हो तुम नहीं जानते बेटा दौलत ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार है जो हर माँ बाप अपने बच्चों को नहीं दे पाते सॉरी मम्मी लेकिन अब मुझे दौलत की नहीं प्यार की जरूरत है जो आज तक ना मुझे आप लोगों से मिला और ना ही मिलने की उम्मीद है hey, hold it, चैनिक, बस बस ये क्या बोल रहा है यार एक बात आप मेरी भी ध्यान से सुन लीजिए अगर आपने सुनंदा को इस घर की बहू स्वीकार नहीं किया तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं बेटे मैं यहाँ रिश्ते जोड़ने आया था तोड़ने नहीं जो रिश्ते पैसे की बुनियाद पर टिके हो उनका टूट जाना ही बेहतर है अब इस घर में मेरे लिए भी कोई जगह नहीं अरे नहीं नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं पागल हो गया क्या तू वकील साहब जी आप भी एक बेटी के बाप हैं जी हाँ इसलिए बात अच्छी तरह जानते होंगे कि माँ बाप के लिए औलाद की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं जी हाँ तो फिर हमारी भी खुशी उसी में है जिसमें हमारे बेटे की खुशी है अरे इधर आ यार बात करता है जाने की है अब हमें ये रिश्ता मंजूर है साहब हाँ। वकील साहब अब तो हम समझी हो गए गले नहीं लगेंगे यानी कि ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड इमीडिएटली बुला लो और आईसीयू में सब अरेंजमेंट्स कर देना शाम हीरा आओ मेरे साथ हेलो हेलो मामा आप फौरन आंटी के यहाँ पहुंचिए सुनंदा को हेमरेज हो गया है ओ माय गॉड उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है जिस बात का डर था वो ही हुआ प्लीज कम हियर इमीडिएटली मैं अभी पहुंचती हूँ तब तक उसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज चढ़ाओ ओके चलो चलो जल्दी उठाओ आओ
Falling fast. Pulse, not very strong. Hema, फिर से एक बार बीपी चेक करो. अंजू, टाटा के आईसीयू में बंदोबस्त करें. अब कुछ नहीं हो सकता. हमारे पास वक्त बहुत कम है. सुनंदा को प्यार और शांति की जरूरत है. बेबी कॉलेज में खेल रही थी. हाँ. उसको अटैक आया, बेहोश होकर गिर पड़ी. हाँ. कान में से और नाक में से खून बहने लगा. डॉक्टर ने कहा अच्छा अच्छा बचने की उम्मीद नहीं है. सुनंदा बेबी छोड़ के जा रही. क्या क्या सपने देखे थे मैंने उसके लिए. उसे डोली में बिठाने का सपना. अब मैं उसकी आरती कैसे उठाऊंगा. काश मैं अपनी जान देके उसकी जान बचा सकता. मां मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं. बहुत बेबस. मौत से आज तक कोई जीत सका है बेटा.
कोई नहीं। हमें अपने आप पर काबू रखना है। अगर हम ही टूट गए तो ऐसी हालत में उसे कौन सहारा देगा? मैम साहब, साहब जी आ गए। अरे तुम लोग यहां बैठे हो, देखो तो मैं अपने साथ किसे लाया हूं। अरे आओ भाई, ये देखो इस घर के होने वाले दामाद को। मैंने संदीप के पिताजी से संदीप और सुनंदा की शादी की बात पक्की कर दी है। बस अब मेरा बोरिया बिस्तरा भी बांध दो, मैं भी चला अपनी बेटी के साथ संदीप के घर रहने। क्यों भाई, रखेगा ना? क्यों नहीं अंकल, आप ही का तो घर है। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? लड़का अच्छा है, तुमने भी पसंद किया है और दोनों को दिल्ली में रहने की इजाजत भी तुमने ही दी थी। सुनंदा हम सबको छोड़कर जा रही है। अरे वो तो जाएगी ही, सारी उम्र इस घर में थोड़ी ना बैठी रहेगी। तुम औरतों का दिल भी बड़ा नाजुक होता है। मैं जानता था कि मैंने सुनंदा की शादी की बात तुम्हें सुनाई और तुम्हारी आंखों से आंसू टप टप। आप समझते क्यों नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। आखिर क्यों? इसलिए कि सुनंदा की हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ है सुनंदा को? आखिर तुम लोग बताते क्यों नहीं? वक्त की काली छाया हमारे घर की खुशियों को निकल गई है। सोनू को ब्रेन ट्यूमर था जो कैंसर बन चुका है। अब वो आखिरी स्टेज पर है। लेकिन ये सब अचानक हुआ कैसे? आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए आपसे छुपाया गया। आज तो मैं ये सुनकर नहीं मरा। तुम लोगों ने बहुत बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। बताया भी तो उस वक्त जब मेरी बच्ची मौत की दहलीज पर खड़ी है। अरे जालिमो, अगर पहले बताया होता तो मैं जी भर कर अपनी बच्ची से प्यार तो कर सकता था। तुम लोगों ने मुझे प्यार का वक्त भी नहीं दिया। कहाँ है मेरी बेटी? प्लीज भाई साहब, अपने जज्बात पे काबू रखिए। मैं पूछता हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? वोब्रन तो हमने अभी अभी दिए थे। एड डोपामिन। ओके। okay.
जाओ बेटे, अब तुम्हारे लिए इस घर में कुछ नहीं रहा। अपनी बेटी की खुशियों के जो महल हमने बनाए थे वो सब रेत के निकले, पकती हवा के एक ही झोंके ने सब तहस तहस कर डाला। कुछ भी नहीं रहा बेटे, कुछ भी नहीं। अब तुम्हें अपनी जिंदगी सुनंदा के बगैर ही जीनी है। जाओ बेटे जाओ। नहीं अंकल, ये नहीं हो सकता। सुनंदा ही तो मेरी जिंदगी है, उसे छोड़कर मैं कहां जाऊंगा। एक बार मैं सुनंदा से मिलना चाहता हूं। नहीं मिलो तो अच्छा है, तुम्हारी जुदाई शायद सुनंदा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरी दांती, मुझे मेरी जिंदगी के पास जाने से मत रोकिए। मां, जाने तो इसे। स्वरूप, मैं आ गया। स्वरूप, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बिना जी लूंगा। जिंदगी के हर सफर में साथ जीने मरने का वादा किया था तुमने, फिर आज बीच सफर में मुझे अकेला छोड़कर जाने का फैसला तुमने कैसे कर लिया। स्वरूप, कैसे कर लिया। मुझे छोड़कर नहीं जा सकती स्वरूप, प्लीज। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं जा सकती स्वरूप, नहीं जा सकती। अब तो हमें मौत भी जुदा नहीं कर सकती संदीप। नहीं स्वरूप, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा सोनू। संदीप, और जोर से, इतना जोर से कि कोई भी हमें अलग न कर सके। सोनू, 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 सोनू। के हुए पल में छुप कर रो लेना अपने ही आंचल में।